हेलो फ्रेंड्स, इसी टू कुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे अपनी हॉट एंड स्पाइसी मसाला मैगी। फ्रेंड्स, आज तक हम अपनी मैगी को बहुत सिंपल तरीके से बनाते आए हैं, उसको बस हम पानी में बॉईल करते हैं और खा लेते हैं। लेकिन आज हम अपनी मैगी को थोड़ा अपने इंडियन स्टाइल से बनाएंगे, थोड़ा सा इस पर स्पाइसेस डालेंगे और अपना चिली सॉस उसमें ऐड करेंगे। जब हम इसमें चिली सॉस और मेनली इसमें हम जब अमेरिकन स्वीट कॉर्न को ऐड करते हैं तो फ्रेंड्स इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि जो हम चिली सॉस जो डालते हैं जो उसकी जो स्पाइसीनेस है और इधर जो अमेरिकन स्वीट कॉर्न की जो अपनी नेचुरल स्वीटनेस है, जब ये आपस में मिलते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और खाने में ये बहुत अच्छा लगता है। और साथ में हम इसमें पनीर डालेंगे, बच्चों की फेवरेट जो वेजिटेबल्स हैं हम वही डालेंगे, जिससे कि हमारे बच्चों को एक हेल्दी मैगी मिल सके। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मसाला मैगी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, इसी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इसी टू कुक चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन का बटन लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हॉट एंड स्पाइसी मसाला मैगी बनाने के लिए हमने एक मीडियम साइज प्याज लिया है, जिसको हमने बहुत बारीक बारीक काट लिया है। 2 टेबलस्पून पनीर लिया है, इसको हमने बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। 1 बहुत छोटा सा पीस शिमला मिर्च का, 1 मीडियम साइज टमाटर और 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पर अमेरिकन स्वीट कॉर्न लिए हैं और 2 टेबलस्पून हमने फ्रोजन मटर लिए हैं और हमने इन सभी सब्जियों को बहुत बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ हमने 2 टेबलस्पून चिली सॉस लिया है, हम 2 सर्विंग स्पून ऑयल लेंगे, 2 मैगी के पैकेट लिए हैं और 2 कप पानी लिया है। मसालों में हमने नमक स्वाद अनुसार, नमक हम इसमें बहुत कम डालेंगे क्योंकि नमक टेस्ट मेकर में भी होता है, और 1 टीस्पून किचन किंग पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने अपना ऑयल डालकर अपनी कढ़ाई में गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर ये प्याज डाल देंगे और प्याज को बस हम केवल ट्रांसपेरेंट ही करेंगे, गैस की फ्लेम को फुल रखेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे प्याज अब हल्के ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम अपना टमाटर डाल देंगे, मटर डाल देंगे, सारी सब्जियां हम इसमें डाल देंगे शिमला में। अब आप देख सकते हैं जब हम इसमें इतनी सारी वेजीज यूज करते हैं तो इसका कलर कितना अच्छा हो जाता है, इसमें येलो ग्रीन रेड ये कलर बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी इसमें ये बहुत टेस्टी लगती है और न्यूट्रिशियस भी बहुत हो जाती है क्योंकि इसमें इतनी सारी हम लोग वेजी डालते हैं। हमने बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए चला दिया है। अब हम अपने मसाले डाल देंगे, नमक डाल देंगे, किचन किंग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, हल्दी डाल देंगे और ये सारे मसाले डालकर चला लेंगे। गैस की फ्लेम को हम फुल ही रखेंगे और अब हम इसमें अपना ये मैगी मसाला भी डाल देंगे, दोनों पैकेट डालेंगे और इसको चला लेंगे। 1 से 2 मिनट हम इसको भून लेंगे। हमने अपने मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसके अंदर ये 2 कप पानी ये डाल देंगे, 2 कप पानी डाल दिया है, इसको चला लेंगे 1 से 2 बार और अब हम इसको ढककर रख देंगे। जब इसका पहला उबाल आ जाएगा तब हम अपने ढक्कन को हटा देंगे, गैस की फ्लेम को हम फुल ही रखेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा ये पहला उबाल आ गया है, हमारा ये पानी अच्छे से पक गया है। इसके अंदर हम अपना ये पनीर भी डाल देंगे और इसको चला देंगे, अपना चिली सॉस भी डाल देंगे, जिससे कि हमारे सारे फ्लेवर्स हमारे इस पानी में आ जाए और जब हमारी मैगी हम इसमें डालेंगे तो सारे फ्लेवर्स के साथ हमारी मैगी भी अच्छे से पक जाएगी। सारा अच्छे से चिली सॉस सब निकाल लेंगे, इसको भी हमने चला लिया है और अब हम इसके अंदर अपनी ये मैगी डाल देंगे। 2 ऐसे पीसेस कर लीजिए। इसको अभी हम
ऐसे ही रहने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे कि हमारी ये जो मैगी है, जो नूडल्स हैं, ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल फुल ही रखेंगे। एक से दो मिनट हो गए हैं, अब हम इसको फिर से चला लेंगे, थोड़ा इसको अलट पलट कर लेंगे, थोड़ा इसको बस जितने हमारे ये जो नूडल्स हैं इसको अपने स्पैटुला से अलग कर लेंगे। इस समय इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, सारे मसालों की, सब फ्लेवर्स की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं हमारी मैगी अब बिल्कुल अलग अलग होनी शुरू हो गई है। इस स्टेज पे हम फ्रेंड्स अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे। एक से दो मिनट हो गए हैं, इसका ढक्कन उतार देंगे। हमने इसको ढककर इसलिए रखा था जिससे कि हमारी मैगी अच्छे से बॉइल हो जाए। हमने जिसमें स्वीट कॉर्न डाला है, पीस डाले हैं, ये सब कुछ अच्छे से बॉइल हो जाए और इसमें टेस्ट अच्छा आए। अब हमारी ये मैगी बिल्कुल तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। इसको हम बस 1 मिनट के लिए और कर लेंगे जिससे कि जो थोड़ा बहुत जो इसमें पानी है वो भी सब खत्म हो जाए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है और जो इसमें ये वेजिटेबल्स हैं इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, खास करके जो स्वीट कॉर्न हम डालते हैं तो इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है। सो फ्रेंड्स हमारी ये मैगी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को हम अब ऑफ कर देंगे और अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी हॉट एंड स्पाइसी मसाला मैगी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और साथ में हेल्दी भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हमने डाली है। और अगर आपको हमारी इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे इजी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।